नमस्कार सभी दर्शकों को हैप्पी धनतेरस और हैप्पी दिवाली। आज 13 नवंबर एग्री में कल के सेशन में हमने एक अच्छी खासी तेजी फिर से बनते हुए देखी। एग्री डेस्क में हमने 5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। आज भी जो ड्राइवर थे वो हमने देखा था सोयाबीन, रिफाइंड सोया, मस्टर्ड में थोड़ा बहुत पुल बैक था और सीपीओ में हमने 1% की तेजी। ओवरऑल हमने देखा एडिबल ऑयल एक इंजन की तरह पूरे एग्री को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। मस्टर्ड में थोड़ा पुल बैक जरूर था बट कैस्टर में भी हमने देखा 0.5% की तेजी के साथ मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दिया। वहीं हल्दी और जीरा दोनों में ही हमने 0.5% के करीब की तेजी आती हुई देखी। धनिया में थोड़ा दबाव बना है बट साइकोलॉजिकल लेवल 6600 का लेवल बिल्कुल बना हुआ है। चने में भी हमने एकाएक प्राइजेस में 2% की तेजी देखी बट क्लोजिंग तक हमने 65 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, जो अभी भी कहीं ना कहीं संकेत देता है कि चने में तेजी का रुख कायम रहेगा। वहीं गवार कॉम्प्लेक्स में हमने दबाव बनते हुए देखा। 4200 काफी इंपॉर्टेंट रहेगा गवार सीड के लिए, ये ध्यान रखिए क्योंकि जिस ढंग से जो बाइडन की टीम जो नहीं आई है यूएस में, कहीं ना कहीं अगर सेल प्रोडक्शन की बात करें यहाँ पे कर्टलमेंट कर सकती है और क्रूड का आउटलुक भी थोड़ा खराब दिखाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं गवार सीड गवार गम पे इम्पैक्ट कर सकता है। साथ में यूरोप में जो लॉकडाउन है और यूएस में भी अभी उम्मीद है कि 2-3 वीक का एक लॉकडाउन अनाउंस हो सकता है, इसके चलते हमें लगता है गवार कॉम्प्लेक्स पर ध्यान रखिए दबाव बना हुआ रहेगा। आज के सेशन की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में हमने रिफाइंड सोया, सोयाबीन और सोया ऑयल में तीनों में गिरावट देखे हैं, उसके चलते आज हो सकता है सोयाबीन में थोड़ा बहुत दबाव देखने मिल जाए। पर ध्यान रखिए दिन के दबाव में हमें लेके काम करना है, तो दिन में बेच के चलिए भाई, 43-60-70 तक का लेवल मिलता है वहां से हम इसको बाइंग करके चलेंगे। जो अप साइड में 44-20 से लेकर 44-20 तोड़ने पे 44-80 तक का भी लेवल दिखा दे। एज ऑफ नाउ हम जानते हैं क्रॉप साइज डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ी अच्छी है बट अभी भी अराइवल्स नहीं पहुंच पा रहे, मंडियां क्लोज है जिसके चलते पूरे एग्री में तेजी का रुख रहेगा। तो ऊपर में 44-20 तोड़ता है तो 42-80 के लिए तैयार रही है। रिफाइंड सोया 1010 के ऊपर काउंटर बिल्कुल स्ट्रांग है जो 1056-1060 तक का लेवल दिखा देगा। मस्टर्ड जब तक 6100 के ऊपर होल्ड है हम 6400 तक का लेवल देख सकते हैं। एक बार 6400-6450 का लेवल दिख जाए वहां से फिर बिकवाली की जा सकती है अगर बाकी फंडामेंटल्स हमारे थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखाते हैं। तो कैस्टर में बिल्कुल लीकेज काम चलिए, आज 4780 तक का लेवल दिखा सकता है, 4730-3720 तक के रेंज में लेके चलिए। मसालों के अंदर आज सूत रहेगा, हल्दी कल की तेजी के बाद 5750-5850 के बीच में है, जीरा 14300 के ऊपर स्ट्रांग है जो 14600-6650 तक का लेवल दिखा देगा, उसके ऊपर एक बड़ी तेजी के लिए तैयार है। धनिया 6600-6650 का इंपॉर्टेंट रेंज है, इसी रेंज में ट्रेड करेगा। चने में आज लेवाली करके चलिए जो 5450 तक का लेवल दिखा देगा। कॉटन सीड ऑयल केक में दिन में गिरावट रहेगी जो 1920-30 तक का लेवल दिखा दे, उस लेवल पे आपको लेना है जो 1960-1990 तक का लेवल दिखा देगा। गवार कॉम्प्लेक्स में आज भी दबाव रहेगा, 4200 का लेवल तोड़ने पे हम 4160 तक का लेवल दिखा दे, जबकि गवार गम में थोड़ा उछाल अगर मिलता है 6550 तक तो वहां पे उछाल पे बीच के चलेंगे जो डाउन साइड में 6300-6250 तक का लेवल दिखा देगा। कॉटन के प्राइजेस में भी इंटरनेशनल को देखते हुए मार्केट साइडवे है, 19650 तक का लेवल मिलने पे लेके चलेंगे, 19800 तक का लेवल दिखा देगा। चार्ट के लिए सोयाबीन अपर रेंज पे ही दिखा रहा है, थोड़ा पुलबैक मिले उस पुलबैक पे लेके काम कीजिए। बीएमडी सीपीओ में अभी भी स्ट्रांगनेस है, 23.6% के रिट्रेसमेंट के ऊपर आ चुका है, रिवर्स कर चुका है जो ऊपर में करीबन 3400 रिंगेट तक दिखा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस चैनल में हम अब तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। धन्यवाद।